हरे कृष्ण, प्रेम से बोलो हरे कृष्ण, थोड़ा जोर से बोलो हरे कृष्ण, सब मिलके बोलो हरे कृष्ण। हाँ, अब चाहे कि हम साथ हैं, वैसे पता चल रहा था कि आप अलग हम अलग, वैसे आप नीचे और हम आसन में बैठे हुए हैं, वो संबंध नहीं हो रहे थे जब आप लोग नहीं बोल रहा था, ठीक है। फिर और एक बार बोलेंगे प्रेम से, जोर से, अब सब मिलके बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। आप सबको स्वागत है इस्कॉन दिल्ली में, संडे लव फीस में। अगर आप लोगों को भय नहीं है हमसे तो पास आ सकते हैं, भय है तो दूर ही रहो, ठीक है। अगर भय नहीं है तो कृपया आप लोग थोड़ा पास आ सकते हैं और बैठ सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद। चलो, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव शति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। धन्यवाद। श्री प्रभु जी कह रहे थे कि जिसको महा संकीर्तन में जाना है तो वहाँ भाग ले सकते हैं, और जो यहाँ पर हैं वो भी संकीर्तन में भाग लेंगे अलग तरीके से, वहाँ नित्य करके और गा करके भाग लेना है, यहाँ पे थोड़ा गा के थोड़ा सुन के समझ के फिर बाद में इसको करने का, ठीक है। ये महा संकीर्तन जो चल रहे हैं गौड़िया वैष्णव स्कंद संप्रदाय का चालू हुआ है, तो ये क्या है ना? और कहते हैं कलयुग ये जब लोग संकीर्तन करते हैं तो एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं बाबूजी? हरे नामा, बोलो बोलो, नाम एव केवलम कलव नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा, कोर और गति नहीं है। माइक, कोरलेस माइक, कोई और गति नहीं है। क्या क्या करना चाहिए? हरल नाम है सिर्फ, प्रभु जी उसका ट्रांसलेशन बोलेंगे तो हरे नाम एव केवलम, केवल हरि नाम और केवल हरि नाम ही नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। हाँ, केवल गति हरि नाम की है, अन्यथा कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। कलयुग में केवल हरि नाम ही गति है। अच्छा, केवल हरि नाम ही गति है, ऐसे ही आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम मानते हैं केवल हरि नाम ही गति है। ना माने भी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो शास्त्रिक है, हमारा माने ना माने से क्या है, वो तो है वो नहीं है, क्योंकि आचार्य ने लिखा है, ठीक है, संत ने लिखा है, तो सिर्फ हरि नाम है कलयुग का। तो आप लोग यहाँ मैं देखता हूँ कि उपासना भी करते हैं, शिव विग्रह सेवा भी करते हैं, कहते हैं कलयुग में सिर्फ हरि नाम करना चाहिए, और हम इस मंदिर में आते हैं तो देखते हैं यहाँ शिव विग्रह सेवा होते हैं, और कौन सा नाम कौन सा मंत्र बोलते हैं आप लोग, कौन सा मंत्र बोलते हैं? हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, ये कहाँ पर लिखा है? शास्त्र में कहाँ है हरे नाम? और ये बोल रहे हैं हरे कृष्णा, ठीक है। हम मानते हैं कि हरि नाम कहाँ गया है कलयुग में, तो बहुत नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, आप लोगों को पता नहीं है, इसे सिर्फ हरे कृष्णा बोलते हैं। काफी लोगों का ये समझना हो सकते हैं, क्यों सिर्फ हरे कृष्णा बोलते हैं? आसान है ना, विष्णु सहस्त्र नाम लंबा है, 20 मिनट का उपासना करना पड़ता है, फिर इसमें बोलने से पहले मंत्र दिशा बंधन क्या क्या होते हैं, इसलिए आपको पता नहीं है, इसलिए आप सिर्फ हरे नाम बोलते हैं। ऐसा नहीं है, बेशक हरे नाम शास्त्रों में लिखा है, हरे नाम तो और नाम है ना, गोविंदा है। अभी आरती के समय वो प्रभु जी गा रहे थे, क्या गाए थे? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, वो भी बोल सकता हूं, आप सिर्फ हरे नाम क्यों बोलते हैं? वास्तव ये हरे कृष्णा वाले, ये इस्कॉन वाले सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं और मंत्र नहीं बोलते हैं। वो और जो बोलते हैं वो अलग बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को बोलते हैं हरि नाम यही है महामंत्र। क्यों? अभी तो प्रवचन शुरू होने से पहले किसी ने राधा माधव गाए हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकते हैं ना हरे नामों में, राधा माधव भगवान का नाम है, ठीक है। और ये भी तो हो सकते हैं भगवान का शास्त्र नाम है, अस्तोत्र नाम है, 108 नाम जो हम डेली उपासना करते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं। सिर्फ महामंत्र क्यों? सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सिर्फ वो मंत्र क्यों? क्योंकि वो आसान है, इसके लिए सब लोग आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मृदंगा और कर्ता आसानी से बजा सकते हैं, इसलिए सिर्फ ये मंत्र बोलना है। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविकता में और किसी बहुत संप्रदाय में जाएंगे, चाहे मैं एक मुसलमान साधक से सीखा कि जो मुस्लिम लीग होते हैं वो लोग भी 101 बार अल्लाह का नाम लेते हैं। हम लोग स्तोत्र लेते हैं, वो लोग 101 बार। तो मैं उसको पूछ रहा था, वैसे मैं मॉरिशस से हूँ, वो भक्त जन मॉरिशस से था, तो थोड़ा चर्चा चल रहे थे साधना में, भजन के बारे में। तो वो बोल रहे थे कि जब संसार में जैसे जब कष्ट होते हैं, हम लोग तो मंदिर जाते ही हैं, तो वो लोग जब कष्ट होते हैं तो उन लोगों का एक पद्धति है पूजा का, तो वो लोग 40 दिन तक 101 नाम अल्लाह जी का ये करते हैं, भाव लेते हैं कि हम 40 दिन 101 बार ये करेंगे, ठीक है। और जो भी हिंदू कल्चर में है, हम लोग 108 बार बोलते हैं, कहीं पर 101 बार भी हैं, ऐसा शास्त्रिक भी हैं। काफ़ी जगह जब देखेंगे, जब दान माना जाता है तो बोलते हैं 1001 रुपया देने के लिए, 101 रुपया देने के लिए ना, वो एक क्यों आता है? कभी आपने पूछा क्या? क्या कोई मार्केटिंग स्कीम है क्या? क्योंकि देखो, जब हम मार्केटिंग करते हैं किसी चीज़, अगर 10,000 का है तो क्या लिखते हैं? 9,999। 10,000 भैया, 1 रुपया क्या कम? अगर हम 9,999 देने वाले हैं तो 1,000 नहीं देंगे क्या? मार्केटिंग स्कीम है ना, साइकोलॉजी है यार, 9,000 है, 10 नहीं है, 900 है, 1,000 नहीं है, बस है वो 9,999 है, लेकिन 9 आया ना, 900 ये है। तो एक मार्केटिंग का स्कीम होते हैं, क्या ये भी एक स्कीम है जो संत नग ने लिखा हुआ है, या इस्कॉन वाले ने ये बनाया है कि क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है काफी मंत्र और मंत्र जाप करने की विधि, इसलिए वो लोग महा हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं जो आप सब लोगों के लिए आसान है।
ऐसा नहीं है। हाँ, शास्त्र खरे नाम बोला गया, गोविंदा का नाम ले सकते हैं, कृष्णा का नाम ले सकते हैं, शास्त्र नाम भी बोल सकते हैं, बहुत मंत्र हैं, अस्तुत्रवली है, नामस्तकम है, बहुत ऐसे मंत्र हैं जो आप उपासना कर सकते हैं। लेकिन ये सब मंत्र जो आते हैं वो महामंत्र में नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु जी जब दिया, देखो माँ बाप देते हैं बच्चे को, बड़े भाई भी देते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ छोटे को देते हैं। जब छोटे का अधिकार होते हैं जो बड़े से कुछ लें, और बड़े भी जो बड़ा है उसका ये स्वभाव है कि जो छोटा है, छोटा का मतलब क्या है, जो कमजोर है, दिमाग में कम है, ठीक है, उसको छोटा कहा जाता है, ठीक है, एक परिभाषा है उसको समझने में, ठीक है, तो उसका। लेकिन तो छोटे लोग को देना ये प्रवृत्ति है, लेकिन जब माँ कुछ देते हैं अपने बच्चे, छोटे बच्चे को, तो वो कैसे देते हैं, जो सबसे अच्छा, सबका निचोड़ निकाल करके जो सबसे बढ़िया उसको देते हैं, ताकि मेरा बच्चा जो मिले वो बहुत उसका लाभ उठा सकते ना। बाप भी देते हैं, भाई भी देते हैं, दोस्त भी देते हैं, पति भी देते हैं, पत्नी भी देते हैं, संसार वाले भी देते हैं, ऑफिस वाले भी देते हैं, लेकिन जो माँ होते हैं वो जब देते हैं बच्चे को, उसका एक कंपैशनेट जो हृदय है सबसे बढ़िया उसको देते हैं। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जो महावदन्याय, वदन्याय नहीं, महावदन्याय है, जब उसने बोला हरे रामा, तो ये मंत्र कहाँ गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। क्यों ये मंत्र बोला गया, क्योंकि ये महामंत्र मतलब क्या है, महा, हर कोई महा डाल देते हैं, महाप्रसाद, महाभागवत है, इसके बाद मिलेगा ना प्रसाद, महाप्रसाद मिलेगा ना पबजी, मिलेगा प्रशांत, मिलेगा इसके बाद, ठीक है, सिर्फ महा लगा देते हैं। महा क्या, एक मार्केटिंग है, नहीं ऐसा नहीं है। जो महा, जो हरे कृष्णा मंत्र है उसको महामंत्र कहा गया, क्योंकि ये मंत्र आप सब बोल सकते हैं, ठीक है। मंत्र, मंत्र दीपिका में जहां मंत्र के बारे में कहा गया, जो भी मंत्र मिलते हैं, जो भी मंत्र हमको मिलते हैं वैसे ही नहीं ले सकते हैं, उसका एक प्रतिक्रिया है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, जो काफी बच्चे लोग हैं कॉलेज जाते हैं, जा गया एक डिग्री लेके आते हैं IIPM जो भी कॉलेज है आपका, ठीक है, जब आप नौकरी करने के लिए जाएंगे ऑफिस में क्या बोलेंगे, ये मेरा डिग्री है। अच्छा, कौन सा यूनिवर्सिटी से किया आपने, IIPM जो भी यूनिवर्सिटी है आप लोगों का यहाँ पे, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ओ आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं, क्यों ऐसे कहते हैं ये लोग, क्योंकि कैम्ब्रिज एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो यूके से एफिलेटेड है, जो यूके से वो रजिस्टर्ड है, और माना जाता है कि ये यूनिवर्सिटी में सब अच्छा हो, प्रतिक्रिया से सीखते हैं। अच्छा, आप किसी गांव की यूनिवर्सिटी से ले लो, जो भी डिग्री भारत का किसी भी गांव की यूनिवर्सिटी से ले लो, और आप किसी नौकरी लेने के लिए, अच्छा कौन सा यूनिवर्सिटी है ये, अच्छा कहाँ पर पढ़ता है, अच्छा वहाँ पर है, क्यों, उसका वैल्यू नहीं है कुछ, और गवर्नमेंट का कुछ लॉज होते हैं, नेशनल लॉज होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, जो वो क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है ना, इसमें डिटेल नहीं जाएंगे। वैसे अगर एक डिग्री जो आप ले रहे हैं यहाँ पे इस भौतिक संसार में रहने के लिए इतना रिकॉग्निशन होना चाहिए, तो आप सोचते हैं जब हम मंत्र लेते हैं, और वो मंत्र जो इस भौतिक संसार से हमको लेकर गोलोक धाम देने के लिए, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं, नहीं उसका भी प्रतिक्रिया होता है। वो मंत्र गुरु के द्वारा मिलना चाहिए,
फिर वो मंत्र को शुद्ध करना चाहिए, मंत्र शुद्धि। हाँ, सब मंत्र का शुद्धिकरण होते हैं। हर मंत्र हर कोई गा नहीं सकते हैं, उसका एक प्रतिक्रिया होते हैं। आपका एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके काम करना पड़ता है, आपका जन्म कब हुआ, आपका कुंडली निकालना पड़ता है, फिर आपके नाम जो अक्षय होते हैं, फिर 16 स्क्वायर का एक बनाते हैं, फिर जितने भी संस्कृत का शब्द है इसमें डालते हैं, फिर आपका नाम लिखे इसमें डालेंगे राइट, फिर रिवर्स करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा घर पे होते हैं, तब ये मंत्र आपके लिए लागू हो सकते हैं। हर मंत्र हर कोई जाप नहीं कर सकते हैं, उसका प्रतिक्रिया होते हैं। ये जानने के लिए क्या ये मंत्र आप जाप कर सकते हो या नहीं, फिर ये मंत्र शायद मैं जाप कर रहा हूं और प्रभु जी जी जाप कर रहे हैं, प्रभु जी के लिए लाभदायक हो सकते हैं, मेरे लिए हानिदायक हो सकते हैं, क्योंकि मेरे कुंडली के अनुसार मेरे सब वो नहीं है, ठीक है, मेरे लिए हानि। मंत्र एक ही, मंत्र का देवता एक ही, मंत्र का बोलने का तरीका एक ही, लेकिन प्रभु जी के लिए तो भैया मालामाल हो रहे हैं, मैं तो दरिद्र हो रहा हूं। ये नहीं कि हर मंत्र हर कोई कह सकते हैं, ठीक है, उसका एक प्रतिक्रिया होते हैं। अब उस प्रतिक्रिया के जानने के बाद जो मंत्र आपको मिला गया वो मंत्र को डिपेंड करते कौन सा मंत्र है, इतने हजार बार आपको उपासना करना चाहिए, उसको हम पुरस्चार्य विधि कहते हैं। वो विधि है कि आप देखेंगे काफी संत मिलते हैं संसार, भारत में तो वैसे मिलते हैं बहुत संत, जो कभी आप जाते हैं बोलते हैं पंडित जी मेरा बहुत ये परेशानी है ये, अच्छा ठीक है, कुछ मंत्र बोलते हैं हो मैं तो ठीक हो गया, बीमारी चला गया, ठीक है, अच्छा पंडित जी आपने कौन सा मंत्र बोला, अच्छा मैं तो यही मंत्र बोला था, लेकिन मैं जब बोलता हूँ वो नहीं होता है, आप जब बोलते हैं वो काम क्यों करते हैं, ये मंत्र सिद्धि है, उसने पुरस्कार जो विधि किया, वो विधि करने के बाद वो मंत्र, जैसे आपने कॉलेज में जाते हैं या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैसे जा सकते हैं आप, जब आपका कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं, क्वालिफिकेशन सफिशिएंट नहीं है, जेब में क्या होना चाहिए, पैसा, दिमाग पे बुद्धि, दोनों लेकर के जाएंगे तब मिलेगा। यहां भी ये तो भौतिक संसार है, अगर स्पिरिचुअली देखेंगे काफी मंत्र को आपके पास एक साधना होना चाहिए, मंत्र मिला उसको शुद्ध करना चाहिए, फिर वो सिद्ध करना चाहिए। शुद्धिकरण मंत्र का नहीं होता है, आपका होता है, आप शुद्ध होते हैं उसको कहने के लिए। जैसे देखो खाने के लिए हम लोग एक बड़ा प्लेट प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन उसको पचा सकते हैं, खाना बड़ी बात नहीं है, ये छोटा बच्चा तो पचा ही लेगा, ठीक है, छोटा है, जवान है, ताकत है, ठीक है, ये बुजुर्ग जन इतना पचा पाएंगे, मुश्किल है, ठीक है, तो भैया क्या है, दोनों मनुष्य ही हैं, प्रसाद तो यही है, एक तो पचा पा रहे हैं एक नहीं पर कर रहे हैं, क्यों, दोनों का प्रसाद अंदर गया, किसी के ऊपर ताकत आ रहे हैं किसी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसका शक्ति नहीं है। वैसे ही मंत्र लेने के बाद मंत्र को शुद्ध करना पड़ता है और मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, और उसका जो प्रतिक्रिया होते हैं वो पुरस्चार्य विधि हमारे आचार्य ने किया है, श्री प्रभुपाद जी ने किया, भक्ति सिद्धांत महाराज भी किया है, ठीक है, ऐसे महानिधि महाराज का कहना है, ठीक। तो इसको हम कैसे करें, तो ये होता है एक मंत्र, हाँ हरेल नाम, लेकिन लेकिन जो खुशखबरी है आप लोगों के लिए, महामंत्र के लिए ये सब नहीं करना है। हरे कृष्णा मंत्र जो हम बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र के लिए ये पुरस्कार्य विधि लागू नहीं है। इस मंत्र के लिए चाहे आप ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो या क्षत्रिय हो, आप बोल सकते हैं, सबके लिए बराबर का फायदा, जैसे भाव वैसे आपको मिलेगा, इसीलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग किया, प्रभु जी ने बोला महामंत्र, ना, कारण है, ठीक है, अच्छा ये महामंत्र जो होते हैं तो ठीक है महामंत्र है, अच्छा आप कह रहे हैं, देखो अगर प्रवचन ज्यादा हैवी हो रहे हैं आप लोगों के लिए,
फिलोसॉफिकली तो कह देना, कुछ कथा कह देंगे, लीला भगवान का कह देंगे, ठीक है, फिर आपको आपको प्रसाद भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक संस्था में आए हुए हैं जो आपको, हम लोग तो इस संस्था में रहते हैं, हमको पता है क्यों ये महामंत्र है। आप लोगों का जो श्रद्धा है वो कोमल है, ठीक है, कभी भी विचलित हो सकते हैं। हाँ, शायद ये इस्कॉन वालों को इतना ज्ञान नहीं है, ये शंका आ सकते हैं, इसीलिए, क्योंकि क्या है, आज नहीं है कल होगा, क्योंकि आज तो आप यहां पर है, नहीं होगा कि यहां बहुत शक्ति है भगवान का, आपको ये इल्यूजन निकाल दिया। कल जब आप बाहर जाएंगे अपने दूसरा दोस्त से मिलेगा, यदि उसको बोलेंगे यार मैं इस्कॉन वाला जाता, अच्छा इस्कॉन यार मैं तो वहां जाता हूँ, वहां पर ऐसा, अच्छा नहीं नहीं लेकिन इस्कॉन वाला ऐसा ऐसा है, नहीं नहीं वो वाला वैसा वैसा है, अच्छा, फिर थोड़ा 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 जो श्रद्धा है वो, क्योंकि संगति नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसका महिमा जाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, जो भी चीज आसानी से मिलते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं जानते ना, जो मुश्किल से मिलते हैं थप्पड़ में मार करके पूरा एक टांग में खड़ा होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने में 12,000 साल तक तपस्या करो, मंत्र बोलो बिना खाए पिए, हाँ ये कुछ है। और ये जो हरे कृष्णा मंत्र सब लोग ताली बजा के नाच नाच के वो गाते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, वो तो वैसे ही टाइम पास का, नहीं, बहुत बड़ा अपराध है अगर हम ऐसा भी सोचें, ठीक है, सॉरी, ये इसीलिए आपको कह रहा था। और ये मंत्र कैसे काम करते हैं, अच्छा इसमें सिद्धि नहीं करना है तो काम कैसे करते हैं, आपकी श्रद्धा, जैसे आपकी श्रद्धा है ऐसे वो काम करेगा, जितना श्रद्धा, अच्छा ये भाई ये तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत तेज दिमाग है पंडित जी, हैं कुछ नहीं बोला बोला श्रद्धा, श्रद्धा का कैसे हम वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है भैया मेरे पास तो श्रद्धा है, कितना श्रद्धा है, इसका बैरोमीटर कहां पर है, ठीक है मेरे पास 10,000 रुपया है, ये है 10,000 रुपया है, मेरे पास फोन है, ये है फोन सामने में है, ये तो शो कर रहा हूं, श्रद्धा को कैसे दिखाऊं, मेरे पास श्रद्धा, हाँ है श्रद्धा, श्रद्धा है ना, हाँ है जी हाँ, बहुत श्रद्धा नहीं होते तो आधा इधर कहाँ आते हम लोग, श्रद्धा ही से तो आए हैं, बिना श्रद्धा के तो आए नहीं, कोई आए हैं बिना श्रद्धा के यहाँ पे, नहीं श्रद्धा ही होगा, लेकिन श्रद्धा कितना है, ठीक है, और कोई चैलेंज कर सकते हैं साइंटिफिकली, बाबू ये तो चीटिंग है, इमोशनल अत्याचार है, लोगों का भाव से आप ये कर रहे हैं, ठीक है उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि श्रद्धा रखना चाहिए, ठीक है ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक टेस्ट किया गया, ठीक है साइंटिफिकली प्रूवन है कि श्रद्धा किसी भी क्षेत्र में बहुत जरूरी है। भक्ति का तो मांग ही श्रद्धा से शुरू होता है, भौतिक संसार से तो कहीं और दिमाग से चला सकते हैं, लेकिन जो भक्ति का जो पहला सीढ़ी होते हैं वो श्रद्धा ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसा अमेरिकन लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया 2000 अमेरिकनों के ऊपर जो बीमार है, जिसको कैंसर है, क्या है आप लोगों को पता है आजकल कैंसर बहुत बीमारी बहुत फैशन में है, और जिसको कैंसर है बहुत कम लोग बच पाए हैं ऐसा मानना जाता है, ठीक है बहुत जानलेवा बीमारी है। तो उनके ने क्या किया, एक गोली लेके आया, बोला हम लोगों ने एक नया गोली का आविष्कार किया, तो 1000 कैंसर पेशेंट जो हैं, बोला इस गोली को अगर आप 6 महीने तक लेंगे आप ठीक हो जाओगे। दूसरा 1000 पेशेंट के पास गए, सेम गोली को लिया, बोला देखो ऐसा है कैंसर का कोई इलाज नहीं है,
बस हमारे पास एक ऑप्शन है, ये गोली जो है, आप ये गोली लेंगे आप बच सकते हैं या मर भी सकते हैं, लेकिन और कोई चारा है ही नहीं। तो आपको तो 6 महीने बाद वो जो 1000 कैंसर पेशेंट था, जो भरोसा दिया गया कि ये गोली खाने से आप ठीक हो जाएंगे, ये नया आविष्कार किया गोली है, उसमें 80% बच गया, 20% मरा, ठीक है, मृत्यु प्राप्त हो। और वो जो 1000 कैंसर पेशेंट हैं बोला कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें 70-80% मर ही गई, बस 20% बचा। तो प्रश्न आता है कौन कितना बचा या कितना शरीर त्यागा, नहीं, प्रश्न यहां आता है ये कैसे बचा और वो कैसे मरा, क्योंकि गोली बराबर है। तब ये साइंटिस्ट बोलते हैं क्योंकि इन 1000 जो कैंसर पेशेंट था, इसके अंदर हम लोगों ने एक तीव्रता श्रद्धा डाला कि इससे वो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि उन लोगों के अंदर ये श्रद्धा थे कि वो बचेगा, वो लोग इतना लोग बचा, और क्योंकि यहां पर श्रद्धा नहीं था, इससे क्या हुआ, मृत्यु का मात्रा ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर एक भौतिक वस्तु गोली जो भी है इसको ग्रहण करने के लिए श्रद्धा चाहिए, तो भक्ति के लिए नहीं चाहिए। और जब हम संत कहते हैं कि भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, तो साइंटिफिक लोग बोलते हैं ये धोखेबाज लोग हैं, और वो जब बोलते हैं भैया ये दवाई ले लो आप ठीक हो जाएंगे, कितने लोग ठीक भी नहीं हो रहे हैं, ले वो लोग सही हो गए, ये क्या है, श्रद्धा है, मीडिया है, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है, थोड़ा जो भक्त लोग यहां से द्वारका गए, ठीक है, चले गए हरिनाम के लिए, आप लोग यहां पर हैं, चलो हम वृंदावन ब्रज चले जाते, क्यों प्रभु जी, कुछ भक्त लोग यहां से द्वारका चले गए हरिनाम के लिए, अब लोग यहां पर हैं, हम लोग यहां से वृंदावन चले जाएं, ठीक है। ऐसा एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो सुना ब्रज में बहुत संत हो, बहुत संत हैं, बहुत साधु संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, तो वो गया एक बड़ा संत से मिला राधाकुंड में, बोला मैं आपका शिष्य बनूं, आप मुझे सबसे जो सबसे गुह्यतम पावरफुल मंत्र है मुझे बोलो, मैं उसको ग्रहण करने का प्रयास करूंगा। तो उसके गुरुजी ने उसको बोला कौन सा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरुजी थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर योर प्रेजेंस। तो हाँ, ये संत गया तो गुरुजी से मंत्र लिया, बहुत बड़े गुरुजी थे, क्या मंत्र दिया, कान पे दिया हरे कृष्णा मंत्र, और वो साइंटिस्ट मंत्र लेकर के, आज मुझे कुछ प्राप्त हुआ, मैंने सुना था कि भारत के संत बड़े बड़े संत होते हैं, और एक बड़े संत से मुझे एक बड़ा मंत्र मिला, मैं उसका ठीक से मैं उसका उपासना करूंगा। जैसे वो निकला राधा कुंड से, एक रिक्शा वाला में मिला उसको वृंदावन लाने के लिए, तो रिक्शा वाला में जैसे चढ़ा, वो रिक्शा वाला जो रिक्शा चला रहे हैं वो गा रहे हैं हरे कृष्णा हरे, मस्त होके गाड़ी चला रहे। तो ये साइंटिस्ट बोला अरे ये तो मंत्र मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था, उसको कैसे पता चला, अच्छा यही मंत्र है क्या, हाँ हरे कृष्णा ही मंत्र गा रहे हैं, अच्छा क्या बात, उसको भी पता चल गया।
थोड़ा और आगे गया जो रिक्शा वाला ने रुका, ये था क्या कहते हैं, ट्रेन जाते हैं पटरी होते हैं ना, वहाँ रुकते हैं, तो रिक्शा वाले ने गाड़ी को रुका वहाँ पे। तो वैसे अमेरिकन है, यहाँ का व्यवस्था से इतना वो परिचित नहीं है, तो थोड़ा सोचा मैं कमर सीधा कर लूँ, क्योंकि रिक्शा तो रुका ही है 5-10 मिनट के लिए। तो जैसे नीचे उतरा, थोड़ा कमर सीधा कर रहे हैं, एक छोटे से ग्वालन थी और उसके भाई साहब छोटा 5-6 साल का गोबर लेकर के ले भेज रहे हैं और मार रहे हैं हरे कृष्णा मंत्र बोल। अरे इसको भी हरे कृष्णा मंत्र बताएं, ये कौन सा रहस्य है? तो अब तो वो भरोसा तो टूट गया। अब रिक्शा, अब पति तो खुला, रिक्शा में बैठा, बोलता चलो आगे जा करके रिक्शा वाले ने रुका तो देखा जो पानी बेचने वाला है, बेचते हैं ना वो भी हरे कृष्णा मंत्र ही बोल रहे हैं। तो बोलते हैं अच्छा, ये भारतीय लोग बहुत लोगों को बुद्धू बनाते हैं, ये संत मुझे भी बुद्धू बनाया, मैं बुद्धू दिखता हूँ। रिक्शा वाला चलो राधा कुंड फिर से गया, लेकिन थोड़ा दिमाग वाला था ना, चलो गुरु से डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट में। अच्छा गुरुजी, मैं रिक्शा में जा रहा था तो मैंने देखा ये जो रिक्शा वाला महामंत्र, ये मंत्र बोलते जो आपने मुझे दिया, मैं एक रिक्शा वाला तो नहीं हूँ, मैं तो अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, आप मुझे ये मंत्र दिया जो रिक्शा वाला बोलते हैं, जो गोबर लेपने वाला बोलते हैं, है? और जो पानी सब, ये मंत्र दिया मुझे। तो गुरु जी ने सोचा इसको क्या बोलूंगा मैं, वो तो समझ में नहीं आएगा इसको। तो बोला ठीक है, ऐसा है मैं आपको ये हीरा देता हूँ, एक पूरा डायमंड जो है, बड़ा सा पीस डायमंड यहाँ जो करोड़ों रुपयों का है, उसको दिया, उसको बोला ये ले लो और आप जाओ और देखो इस 3 लोग में जो सबसे अच्छा दाम देते हैं, उसका सही वैल्यू देते हैं, आप उसको बेच करके आना। तो गुरुजी लेकिन प्राइस क्या है? देखो हीरा का, मोटा हीरा का बहुत प्राइस होता है ना, डायमंड का, और आपको तो पता है ये करोड़ों रुपया का है, तो आप देखो जो उसके पैसा दे। बोला ठीक है, तो गया। तो जो रिक्शा वाला को फिर से बोला चलो वृंदावन चलते हैं, रिक्शा वाला को बोला ये मेरे पास एक ये है, आप इसको ले लो, और कितना देंगे मुझे आप? रिक्शा वाला ने बोला देखो मेरे पास ये, इसके लिए मैं आपको 10 रुपया दे सकता हूँ, मेरे पास ये पैसा है। अच्छा तो आप चलो, तो करेंगे क्या इसमें इससे? वो मैं क्या करूँगा, मेरे रिक्शा में ये इस कोने में रखूँगा, जब भी मेरा पैर में कुछ लगता है ना, कभी कभी कांटे सब लगते हैं, क्योंकि वो शॉर्प एंड है इसमें, तो इससे मैं ठीक निकालूँगा। कोई हीरा लेकर के पैर को स्क्रैच करते, तो बोला यार ये कौन सा बेवकूफ है, चल चल तुझे नहीं दूंगा। रास्ते में जाकर के वो गोबर वाला को मिला, तो बोला बच्चे आप लोगों के ये बहुत सुंदर सा अच्छा जो चमकता है, बच्चे को लोगों को अच्छा लगता है, तो आप लोगों को देखूंगा, आप मुझे कितना देंगे? मेरे पास तो 1 रुपया है जो माँ ने दिया था पिछले एक हफ्ते से, हमने मैं आपको ये देख सकता हूँ। अच्छा और इससे करेंगे क्या आप? अच्छा हम लोग खेलेंगे एक के ऊपर एक, बच्चे है ना, तो बोलता यार ठीक है, अपना हीरा को लेकर के फिर से गया। वो जो पानी बेचने वाला था उसको बोला मैं आपको ये दूँ, आप मुझे कितना देंगे? अच्छा ये मैं आपको 5 रुपया दे सकता हूँ, मेरे पास इतना ही पैसा है, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, ठीक है 5 ही रुपया मिलेगा। अच्छा क्या करोगे इससे? इससे मैं जो पानी का पैकेट है ना उसे खोलूँगा, काफ़ी लोग नहीं खोल पाते, तो इससे खोलूँगा। अच्छा फिर गुरुजी को फिर से वो हीरा लेके फिर से वो राधा कुंड गए और गुरुजी को दिया, गुरुजी ने बोला अच्छा उसको बेचा नहीं, गुरुजी ये सब पागल लोग हैं। अच्छा क्या हुआ? तो ये इतना बोल रहे हैं, ये 1 करोड़ का जो भी सामान है, 5 रुपया 10 रुपया का तो है नहीं, ठीक है ये इतना इतना दे रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला ये सही है,
ये महामंत्र भी वैसे ही है, जितना श्रद्धा पूर्वक, जितना श्रद्धा पूर्वक आप उसका जाप करेंगे वैसे ही आपको प्राप्त होगा भगवान की धाम। ठीक है, इसीलिए आप सब लोग मिलकर प्रेम से और जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद। ठीक है, ये है महामंत्र। ठीक है, इसीलिए तो ठीक है, ये मंत्र हमको क्यों पूरा पब्लिक में गाना है? मेरे कमरे में जाके मैं बैठ करके मेरे ठाकुर जी के सामने मैं जब कर सकता हूँ मेरे माला पे। ठीक है, फिर रास्ते में निकल करके इतना धूप में फिर नाचना, फिर आप पैर को तोड़ना, जो बहुत होते हैं पैर में मोच लगना, करना क्यों है? ठीक है, देखो ऐसा है, जो भजन होता है वो एकांत भजन कम किया जाता है। एकांत भजन वो जो साधना में बहुत माहिर है। ठीक है, तो हम जो संत होते हैं हम लोग एकांत भजन एक दो घंटा या कोई चार छह घंटा एकांत में भजन करते हैं, लेकिन उस को शास्त्र में मना किया गया है कलयुग में। क्यों? क्योंकि जो हमारा मन है ना, हम तो एकांत इस जगह में रह सकते हैं, लेकिन हमारा मन तो वृंदावन चले गए। अभी तो मैं न्यूयॉर्क में था, देख रहा था वो सीन जब मैं कॉलेज में था, यहाँ पर क्या, अरे मैं तो यहाँ पर हूँ एकांत अकेले हूँ, लेकिन दिमाग सहस्त्र लोगों के साथ है। मैं वहाँ कॉलेज में था, ये उसने मेरे साथ ऐसा किया, और खासकर जब भजन के लिए बैठेंगे तो क्या होगा? हाँ, आज मैंने माँ को ये बोला, पिताजी ने ये बोला, ऑफिस में ये गया, वो हुआ, सब दिमाग में रजिस्टर्ड है, ये ऑलरेडी है, बस उस समय फ्लैशबैक आएगा। तो भजन कहाँ हो रहे हैं? एकांत भजन ना क्या हो रहे हैं? एकांत में किसका मनन हो रहे हैं? ये मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, इसको मैं मारूंगा, इसको मैं ये करूंगा। तो भजन कहाँ हुआ एकांत? हाँ एकांत में तो था, मेरे पूजा घर में मैं एकांत बैठा ही तो था, लेकिन था एकांत अपने अनर्थ के साथ, क्रोध लोभ मोह माया इसके साथ में था, मैं अकेला था ही नहीं। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं इसे भजन हम लोग भक्तों के साथ करना चाहिए। ठीक है, सामवेद में एक मंत्र है, बोलते हैं ओम पुनन्तु माम देवा जनः पुनन्तु मानसादियः पुनन्द विश्वभूतानि जातवेदापुनिहिमाम ओम पुनन्तु माम देवा जनः। ये जो जन है, जो आप सब यहां पर है, देवी देवता के समान माना जाता है। तो ये देवता जन पुनन्तु माम देव पुनन्तु माम पुनन्तु मानस दियः, और ये जन ये भक्तों के साथ में रह करके क्या करते हैं? मानस दियः, अपना मन को शुद्ध करते हैं। ठीक है, मानस दियः पुनन्त विश्व भूतानि, ये जन जब ऐसा एक जन वैद का सभा होते हैं, इस सभा में क्या होते हैं? मन का शुद्धिकरण होते हैं। जब मन शुद्ध करते हैं हम पूरे संसार पूरा जीव आत्मा के लिए शुद्ध कार्य कर सकते हैं। और वो कैसे होते हैं? जाता वेदा अग्नि, वो शुद्ध कैसे होता है? शुद्धिकरण का प्रतिक्रिया होना चाहिए ना। ठीक है, हम जाते हैं भैया हाथ साफ करने के लिए सोप होना चाहिए, पानी तो होना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पर शुद्ध कैसे होंगे? यहाँ पर एक अग्नि का आवाहन होता है, जब सब जन एक ही भाव में सिर्फ भजन करने के लिए और वो प्रकृतिया करने के लिए जो भगवान के प्रसन्नता के लिए है उसको करने के लिए सब एक समान बैठते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो क्या होते हैं, एक हमारा मूलाधार चक्र से एक शक्ति निकलते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा मन एकांत है अभी, एकता में है, एकांत भजन, क्योंकि मन एकांत है अभी। शायद आप लोग एकांत नहीं है, लेकिन अभी आपका मन एकांत है कि आप सुन रहे हैं, ये जो प्रभु जी यहाँ पर बैठे हैं कुछ बोल रहे हैं, समझना है या बाद में प्रश्न पूछेगा और मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए, तो सुन लेते हैं, ठीक है? इतना समय आप लोग निकाल के आए हैं, चलो सुनते हैं। तो आपका दिमाग कहाँ गया? एकांत। जब ये एकांत जब दिमाग होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मूलाधार चक्र से एक शक्ति निकलते हैं, वो शक्ति एक जातावेद अग्नि को प्रकट करते हैं जो सबको शुद्ध करते हैं। आप किसी भी मंदिर में जब जाते हैं तो एक बहुत हल्का वातावरण होते हैं, यार मंदिर में गया कितना शांत होता है, कितने लोग का ये अनुभव है, हाथ उठाइए। अरे शर्माना मत, ठीक है, मैंने पैसा नहीं लूंगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को शांत हुआ तो मुझे कुछ दो, बस धीरे खुश कह बोलो, ठीक है? तो ऐसा वातावरण क्यों महसूस होता है? ना आपने वो पुजारी से मिला है, ना किसी से मिलते हो, बस यहां आकर के मन शांत, एकदम शांत है। वो ही यहां से निकल करके राधा पार्वती के मंदिर के दो कदम रिक्शा में बैठ करके जब हमारा मोबाइल का रिंग आते हैं तो कुछ और प्रतिक्रिया होते हैं, वो हम नहीं बोलेंगे, आपको पता है हमसे ज्यादा, ठीक है? तब वो परेशानियां तुरंत उसको झेलने का तुरा आपके पास एक शक्ति आती है। वो परेशानी गया नहीं है, यहीं पर है, लेकिन कैसे उसको झेल सकते हैं? इसलिए ये शक्ति कहां से आया है? यहां से आते हैं, जब वैष्णव का संग होता है। इसीलिए भारत के सभ्यता में जो भी हिंदू कल्चर में है, जब भी पूजा करते हैं लोगों को बुलाते हैं, एकांत नहीं करते हैं, ठीक है? काफी घर वाले को बनाते हैं, संत 5-6 संत को बनाएगा, क्यों? क्योंकि उस समय वो अग्नि को क्रिएट करना चाहिए, तब ये शुद्ध होता है, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। और जब हम जाते हैं ये करने के लिए हरिनाम जाते हैं, आप लोग देखेंगे अभी जब 12:30 बजे आरती हो रहे थे, प्रभु जी कीर्तन गा रहे थे, ना चाहते हुए भी सुनना पड़ रहा था ना, क्योंकि इतना लाउड स्पीकर है, मैं बंद नहीं कर सकता हूं अपना कान, चाहे मैं सिर्फ राधा पार्वती को देखना चाहता था, लेकिन इतना शोर स्पीकर कर रहे हैं तो सुनना ही पड़ रहे हैं, है? इस जगह में फिर हरिनाम जब करते हैं, महाहरिनाम सब लोग आते हैं, तो एक विशेष कृपा मिलते हैं, एक विशेष कृपा मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु का, और वो उसी जगह में मिलते हैं जहां पर हरिनाम होते हैं। और कैसे मिलते हैं? सची माता ने पूछा था चैतन्य महाप्रभु से, जो स्वयं कृष्ण भगवान है, जब वो संन्यास लिया तो हम आपसे कैसे मिले, आप तो जा रहे हैं। तो उसने बोला जब भी सची माता भोग लगाएंगे उस जगह में मैं आऊंगा, जब भी हरिनाम होंगे और भक्त लोग बिल्कुल शांत बैठ करके या खड़ा होके चल रहे हैं तब मैं वहां नहीं आऊंगा। जब भी हरिनाम हो रहे हैं, भक्त लोग उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मृदंगा बजा रहे हैं, उस जगह मैं प्रकट हूंगा, मैं भी नाचूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? अगर अगर चैतन्य महाप्रभु का कृपा चाहिए तो बेशक सब लोग अभी एक हफ्ता अलग अलग जगह में हरिनाम होगा, भाग लो, मंदिर में जाओ, शाम के समय, दिन के समय, आरती के समय कीर्तन हो रहे हैं, ऐसे खड़ा मत हो कोने पे, देखो हाँ भगवान, बस अगर नाच नहीं सकते, क्योंकि ये जवान लोग बहुत उत्साह से नाचते हैं, जोर से नाचते हैं,
प्रभु जी थोड़ा उमर नहीं, पीछे लेके ताली बजा सकते हैं, गा सकते हैं, थोड़ा शरीर को हिला सकते हैं, ठीक है। हिलाने से क्या होता है, जो पाप शरीर को छोड़ते हैं, देखो कुछ भी हिलाने से धूल जो होता है निकल जाता है ना, हल्का सा मैंने कुछ पानी तो नहीं लगाया ना, ऐसे ही किया धूल जाता है। जो पाप होते हैं जो शरीर को भारी करते हैं, कहते ना शरीर भारी भारी लग रहे हैं पंडित जी, पता नहीं कि तो हरिपन कैसे जाएगा। हाँ, जब कीर्तन में आप आएंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, भाग लेंगे, तब एक कृपा जो जाता आएगा तब शरीर को शुद्ध करता है, वो शुद्धिकरण जरूरी है, ठीक है। हम यहां पर विराम देते हैं, किसी का कुछ प्रश्न है तो प्लीज आप बोलिए, पूछिए। अगर नहीं है मेरे पास है, या आप पूछिए हमसे या हम आपसे। प्रभु प्रश्न, सर ऐसा क्या, हाँ ऐसा क्या हुआ था कि मैं संत बन गया, ठीक है, बस वैष्णव का कृपा हुआ था, कुछ वैष्णव आए थे, वैसे मैं मॉरिशस से हूँ, वहाँ मेरा धर्म फिर भी हिंदू कल्चर से हूँ, पर पूर्वज मेरा भारती से हैं, और मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तो किसी क्रिश्चियन ने आया और मुझे बोला मॉरिशस में हिंदू सभ्यता में हर घर में एक हनुमान जी का मंदिर होते हैं, घर हमारा जगह थोड़ा ज़्यादा बड़ा होते हैं दिल्ली से, तो घर के आंगन में, क्योंकि घर में हनुमान जी को नहीं रखा जाता है, घर के आंगन में एक अलग सा जगह बनाते हैं हनुमान जी के लिए, तुलसी देवी जी के लिए, और जो डोली हम लोग उपासना करते हैं सुबह और शाम। पिताजी और संस्कार हुआ मेरे बड़े का कि स्कूल जाने से पहले या कहीं भी जाने से पहले पूजा करेंगे, धूप अगरबत्ती जो भी दीप जला करके जाते थे, तुलसी देवी को पानी दे के जाते हैं, शाम को 6 बजे भी से दीप जलाएंगे, माँ ने बोला बाप ने बोला ऐसे ही करके आए हैं। फिर एक मिशन जो क्रिश्चियनिटी मिशन का एक प्रचारक थे मुझसे मिला कॉलेज में, तो मुझे बोला आप लोग पागल हैं, तो वैसे मैं कर्मी लाइफ से साइंस स्टूडेंट रहा और हारना पसंद नहीं करता हूँ, वैसे लॉजिकली मैं बहुत लोगों को वैसे ही डिफीट करता हूँ इधर उधर घुमा कर, ये कर्मी लाइफ से मेरा ये है। तो वो आया बोला आप लोग आप तो एक पागल पढ़े लिखे पागल बनने हैं। मैंने कहा क्यों, आप हनुमान जी का उपासना पत्थर का उपासना क्यों करते हैं, देखो बाइबल में, उन लोगों का एक छोटा बाइबल होते हैं साथ में, बाइबल में लिखा है आइडल वर्शिप इज प्रोहिबिटेड, आइडल वर्शिप, आइडल क्या कहते हैं वो शिव विग्रह का सेवा है, वो मना जिसका इसने मना किया है, और एक तुलसी का पेड़ लगाने से क्या होता है, कुछ तो मिलने वाला नहीं है, एक बैगन का पेड़ लगा दीजिए 2 बैगन मिलेगा खाने के लिए, कुछ तो मिलेगा है। तो अब लॉजिकली भैया इससे क्या मिल रहा है, हाँ लेकिन वो बाद में बोलेंगे इसको बारे में, ठीक है। तो मुझे उस समय मैं शायद स्टैंड आउट 8 में था, आप लोगों का अनुसार ये होगा, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, तो लेकिन उसको डाइजेस्ट और वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, अब घर में जाके माँ से पूछा, और माँ तो ये बोला कि ये तो सीख के आया है, वो ही आपको सिखाया है, यही माँ उसके माँ ने यही सिखाया है, उसके बाद ने यही सिखाया है, तो यही सिखाया आपको, तो मैंने कहा ये कोई जवाब नहीं हुआ है, और माँ से ज़्यादा क्या बहस करना है, वैसे उम्र है। तो गांव में एक भक्त है जो थोड़ा गांव में होता है, जो एक भक्त थोड़ा शास्त्र के बारे इस्कॉन का एक भक्त था, तो मैं गया उससे पूछा, तो उसने मुझे बोला कि ऐसा है
कि ये भगवद गीता है इसमें पढ़िए, क्योंकि मेरा बहुत प्रश्न था तो उसने बोला इसमें पढ़ो तो आपका सब जवाब मिलेगा। तो बेशक भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, तब बेशक सब जवाब, जितना जवाब सवाल भी नहीं था उसका जवाब मिला प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। तब वैसे हरे कृष्ण, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। और आप लोग भी भगवद गीता पढ़ सकते हैं यथारूप, ठीक है। ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रभु जी ने आज आपको हरि नाम की महिमा बताई है। और हरे कृष्ण महामंत्र का भी जो है आपको, हरे कृष्ण महामंत्र का भी आपको महत्व बताया, क्यों हरे कृष्ण महामंत्र महामंत्र क्यों है और इसको करने से कि क्या फ़ायदा है आपके लाइफ में, क्या चेंज आएगा। और आपको देखा होगा दुनिया में अगर लोग चेंज हो रहे हैं तो केवल हरि नाम से, और कोई आपको कोई और लालच नहीं दिया जा रहा है कि आपको 1,00,000 रुपये देंगे कहीं पर बम फोड़ दो, तो वो बम फोड़ने वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हरि नाम आपको दिया जाता है। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे उनके पास अंदर तो पैसा था ना, उनके पास कोई यंग एज थी ना, उनको खूब कोई खूबसूरत चेहरा था ना, वो खूबसूरत ढंग से बोल पाते थे, कोई बड़ा भारी ऐसा कोई वक्ता नहीं थे। केवल उन्होंने हरि नाम के नाम पर ही लोगों को बदल दिया और पूरी दुनिया में जो है हरि नाम का प्रचार प्रसार किया। तो हम भी इसी हरि नाम का सहारा लेकर के अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन का जो है मूल उद्देश्य, मूल जो हमारा गोल है उस लाइफ को, उसको समझें और इसको हरि नाम को अपनाएं। तो आप सभी लोग हाथ उठा करके प्रभु जी का इस सुंदर प्रवचन के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।